नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, अगर ये सेटिंग आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर लेते हो तो आपकी इंटरनेट की स्पीड जो है दोस्तों बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखने वाले हैं कि अभी हमारे फ़ोन में इंटरनेट स्पीड क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है और अपने इंटरनेट की स्पीड चेक करनी है कि अभी इस टाइम हमारी क्या स्पीड है। तो वो सेटिंग अप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या स्पीड हमारी जनरेट होती है और क्या हमें फास्ट इंटरनेट देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गूगल क्रोम में जाइए, यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए fast.com। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर ओपन हो जाओगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि एक मीटर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपको बता रहा होगा कि ये स्पीड आपके फ़ोन में चल रही है। तो इसको दोस्तों आपको कम से कम 30 सेकंड तक वेट करना है और आपकी लाइव जो दोस्तों आपकी इंटरनेट स्पीड है वो बता देगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लाइव जो हमारी स्पीड है 1.8 समथिंग है। तो अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या है वो सेटिंग और क्या आपको अप्लाई करनी है। और क्या क्या आपको सेटिंग करनी है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है सेटिंग्स में। आप जैसे ही जाओगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको सिंपली दोस्तों जाना कहाँ पे, अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जैसे ही जाओगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलने वाला है आपको ऑल स्पेसेस का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंटरनल स्टोरेज का, इस पर आपको 2-3 बार क्लिक करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको सिंपली करना क्या है, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 पे जाना है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर आपको सिंपली दोस्तों करना क्या है, सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर आपको जैसे कि आप देख पा रहे होंगे SMSC, इस पर सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये अपडेट कर लेना है आपको। जैसे ही आप इस पर अपडेट कर लोगे तो पहले तो अपडेट एरर आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश कर लोगे तो यहाँ पे एक कोड जनरेट हो जाएगा। तो ये करने के बाद फिर आपको दोबारा से एक बार और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। फिर आपको सिंपली करना क्या है, दोबारा से अपनी इंटरनेट की स्पीड चेक करनी होगी। जैसे ही आप इंटरनेट स्पीड चेक करोगे आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो है इंटरनेट की स्पीड बढ़ चुकी है। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं इंटरनेट की स्पीड बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इंटरनेट की स्पीड डबल हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।